अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो यू नो दैट वी वर डिस्कसिंग आवर एक्सरसाइज 2E। हम लोग यूएन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, कुछ मैंने आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए। एंड आई होप आपने वो जो प्रैक्टिस करने से किए होंगे उससे आपको ज़्यादा समझ लगी होगी, बिकॉज मैथ्स इज द अदर नेम ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी आती है। एंड सेकेंडली, जो ड्यूएन है वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जब आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ड्यूएन आएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ड्यूएन में टेबल्स। अगर आपको टेबल्स पे अच्छी ग्रिप है तो आप ड्यूएन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। एंड टेबल्स आर जस्ट लाइक डोजिंग टेबल्स, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, लाइक 8 5 40, 8 9 72, 9 5 45, 9 7 63, 12 5 60, लाइक दीज। इस तरह अगर आपको टेबल आपके फिंगर टिप्स पे है ना, तो आप ड्यूएन अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी तो जो हमारी ड्यूएन चल रही है उसमें जो डिवाइजर है वो हम 2 4 6 यहाँ तक लेके जा रहे हैं। ग्रेजुअली जब आप इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो जो डिवाइजर है उसका नंबर बढ़ता जाएगा, लाइक 9 8 12 ये होता जाएगा। तो इसका मतलब है एटलीस्ट आपको 2 2 13, यानी 2 से लेकर 13 तक टेबल याद होने चाहिए। इनफैक्ट आपकी फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए। अभी तो आप पर स्टडीज का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, सो अगर आप अभी इसको इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको लर्न करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। और आप कोशिश करें रोज़ का रोज़ टेबल्स को लर्न करें, ताकि आपकी जो टेबल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उस पर ग्रिप हो जाए आपको। और अगर टेबल पे ग्रिप आ गई तो ड्यूएन आपके लिए आसान हो जाएगी, बिकॉज ड्यूएन का एक ही मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग ड्यूएन का टॉपिक कर रहे हैं। और अभी तक जब से आपकी ये टर्म स्टार्ट हुई है, हम लोग को 1.5 मंथ हो गया कि हम लोग ड्यूएन को ही कैरी कर रहे हैं, और हमने इसके ऑन कैंपस भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, टेस्ट भी दिए आप लोगों ने, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्ट्री नहीं थे। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, उससे आपको ये ड्यूएन आ जाएगी, बिकॉज ये आप फर्स्ट टाइम ड्यूएन पढ़ रहे हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने करना है, एम टू आर पार्ट करने हैं इसके। सो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड। ये फर्स्ट स्लाइड इसलिए होती है ताकि आपको पता चले कि जो सिंबल ऑफ ड्यूएन है वो ये है। अच्छा, ये हर लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड रही है, वो इसलिए है कि मे बी कुछ बच्चों का ये फर्स्ट लेक्चर है, मे बी कुछ बच्चों का ये सेकेंड लेक्चर हो, वो ड्यू टू सम रीज़न वो लेक्चर ना कंटिन्यू कर सकते या नहीं ले सकते, तो वो उनको भी ये चीज़ आनी चाहिए। इसीलिए सो ये सिंबल ऑफ ड्यूएन है, और जिसको हम जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको अंदर रखते हैं और इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। जिस नंबर पे डिवाइड करते हैं उसको हम बाहर रखते हैं और उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। जैसे कि इसमें 11 डिवाइडेंड है और 4 क्या है, डिवाइजर है। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। अब 12 तो इससे बड़ा हो गया 11 से। अब हम क्या करते हैं, या तो हमें ये वाला नंबर चाहिए होता है डिवाइडेंड, या इससे छोटा, बड़ा नहीं चाहिए होता, फिर माइनस नहीं होगा। 4 2s are 8, जब हमने 4 2s are 8 किया तो हमने 11 में से 8 को माइनस किया तो 3 आ गया। तो 3 क्या है, 3 रिमाइंडर है, और क्वेश्चन क्या है, 2। ये आंसर होता है जो ऊपर लिखा होता है, ये आंसर है, और आंसर को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। और जो नीचे बच जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। सो यही स्ट्रेटजी है ड्यूएन की, और इसी तरह हम ड्यूएन के सारे क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट ये देख लेते हैं, हमारा जो ये क्वेश्चन है 6 7 4 divided by 2, यानी 6 7 4 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो अभी देख लें, 6 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6 आ गया, तो हम करेंगे 2 3s are 6। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो 7 की वैल्यू है इसको एरो लगा के नीचे ले आएंगे। अब हमने इस नंबर को 2 पे डिवाइड करना है, 7 नहीं आता 2 में, या तो 6 आएगा या फिर 8 आएगा। हम देख लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। 8 बड़ा हो गया, हमें बड़ा नहीं चाहिए लेकिन छोटा चाहिए, हम कर लेंगे 2 3s are 6। माइनस किया तो नीचे 1 आ गया। अब 1 तो छोटा है, अब हम इसको 4 नीचे ले आएंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम 14 को 2 पे डिवाइड करते हैं,
तो देख लेते हैं कहाँ पे आता है 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 and 2 7s are 14. आ गया 14, अब हम क्या करेंगे 2 7s are 14 कर लेंगे, जब माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0. सो आंसर क्या आया क्वेश्चन में 337 एंड रिमाइंडर में 0. 674 को 2 पे डिवाइड किया, 2 3s are 6, माइनस किया 0 आ गया, 7 को नीचे ले आए 2 3s are 6, माइनस किया 1 आ गया, 4 को नीचे ले आए 14 हो गया एंड 2 7s are 14, तो माइनस किया तो 0 रिमाइंडर आ गया और क्वेश्चन क्या आ गया 337 और यही क्या है आपका आंसर है. सो लेट मी कंफर्म यू वन थिंग कि जब मैं आपका टेस्ट लूंगी या आपके एग्जाम्स होंगे या टेस्ट होंगे या असेसमेंट्स होंगी उनमें ज़रूरी नहीं है कि हम यही वैल्यूज दें. मैं इसकी ये वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, मैं इसका डिवाइजर चेंज कर सकती हूँ, डिवाइडर चेंज कर सकती हूँ. मैं इसके डिवाइजर में ज़रूरी नहीं है 2 का टेबल दे दूंगी, मैं कह दूंगी 674 को 3 पे डिवाइड करें, 674 को 8 पे डिवाइड करें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आते हों, उसके लिए उन असेसमेंट्स के लिए टेस्ट के लिए आपको बुक के क्वेश्चंस पे नहीं रहना. उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल आते हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैक्सिमम 13 तक आपको टेबल आने चाहिए. सो मैं ये चेंज कर सकती हूँ और इंशाल्लाह जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हम इसका टेस्ट रखेंगे जिसमें मैं अपनी मर्जी से डिजिट्स और वैल्यूज दूंगी और आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ रिमाइंडर, क्वेश्चन, डिवाइजर, डिवाइडेड इन चीज़ों को शो करवा के आपको सॉल्व करने होंगे डिवीजन के क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 678 को 6 पे डिवाइड करना है. तो इसमें हम सबसे पहले 6 ले लेंगे, तो 6 1s are 6, माइनस किया तो क्या आ गया 0, तो हम 7 को नीचे ले आएंगे. 6 1s are 6, 6 2s are 12. अब 12 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 6 1s are 6 कर देंगे. देन हमने इसको माइनस किया तो 1 आ गया, फिर हमें 8 को भी नीचे लेके आना है तो ये 18 हो गया. अब हमने 18 को 6 पे डिवाइड करना है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, आ गया 18. अब हम क्या करेंगे 6 3s are 18 कर देंगे, रिमाइंडर निकाला तो 0 आ गया. क्वेश्चन में क्या आया 113 एंड रिमाइंडर में क्या आया 0. सो जो आंसर होता है उसको हम क्वेश्चन कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. देख लेते हैं दोबारा, 678 को 6 पे डिवाइड किया, 6 1s are 6, माइनस किया 0 आ गया, 7 को हम नीचे ले आए 6 1s are 6, फिर हमने इसको माइनस किया 1 आ गया, देन हम 8 को नीचे ले गए, यहाँ हमने देखा 6 3s are 18, तो 6 3s are 18 कर दिया. आंसर क्या आया 113 और यही क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या आ गया 0. ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन किसे बोलते हैं मेंशन करें, रिमाइंडर कहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन करें, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट है जी, आ गया थोड़ा सा अपर लेवल का टेबल 8 का. अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये टेबल ज्यादा हो सकते हैं. अब हम जी करते हैं 876 को 8 पे डिवाइड. सो इसको पहले मैं एक बार आपको सॉल्व करके लिख देती हूँ, देन मैं आपको इसको समझाती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, अब हमने 876 को 8 पे डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 8 1s are 8 कर दिया, माइनस किया 0 रह गया, यहाँ पे 7 को हम नीचे ले आए. जैसे कि आपको पता है हम नेक्स्ट नंबर को नीचे ले आते हैं. अब क्या है यहाँ पे कि जो 7 है वो छोटा है 8 से, तो अब हम 6 को भी नीचे ले आएंगे. 7 डिवाइड नहीं होता 8 पे, तो हम 6 को भी नीचे ले आएंगे. ये एक डिवीजन का रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि 7 6 को जब हम इकट्ठे नीचे लेके आएंगे, अगले दोनों नंबर को एक साथ एरो लगा के नीचे लेके आएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा पहले, फिर हम 7 6 को 8 पे डिवाइड करेंगे. बेसिकली ये 76 हो गया. तो अब हम देखते हैं 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72 एंड 8 10s are 80. तो हम क्या करेंगे 80 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम करेंगे 8 9s are 72. हमने यहाँ पे 8 9s are 72 लिख दिया. जब हमने इसको माइनस किया 76 में से 72, तो आपको पता है कि 4 आ जाएगा. एंड 4 क्या होगा, रिमाइंडर होगा. एंड क्वेश्चन क्या होगा 109, बिकॉज आंसर इज क्वेश्चन. सो इसमें मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक चीज़ कि 8 1s are 8 जब हमने किया तो हम 7 को नीचे लेके आए, 7 का नंबर 8 से छोटा था, हम 6 को भी नीचे ले आए तो ये 76 हो गया.
जब हम दोनों डिजिट्स को एक साथ नीचे लेके आएंगे तो ऊपर क्या आएगा, जीरो, देन हम करेंगे 8 9 72। जब हमने 76 में से 72 को माइनस किया तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ गया, तो आंसर इज 109, जो कि क्या है, कोशेंट है। ये 8 का टेबल लिखा हुआ है और 8 9 मेंशन किया हुआ है, 72 होता है। That's it. इसी तरह आपने अपने सब questions करने हैं, जो कि आपको vacation work पे जितने question हैं, मैंने आपके अच्छे तरीके से वो questions हुए देखने हैं। एक तो वो neatness के साथ होनी चाहिए, दूसरा उसमें बिल्कुल कोई mistake नहीं होनी चाहिए, और आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा practice करें ताकि आपकी grading अच्छी हो। अब जो आपने घर से पार्ट करने हैं वो है QOR questions yourself, ये आपने खुद से करके लेके आने हैं, और जो कि इंशाल्लाह मैं चेक करूंगी जब भी आपका काम हम तक पहुंचेगा। सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।